हाय गाइस, मैं हूं तरुण प्रजापति ऑन यूट्यूब चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन में। तो आज मैं आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये देने जा रहा हूं कि रिलायंस जियो 5 जो डिवाइस है रिलायंस का, जिसमें हॉटस्पॉट है और आप जिसमें रिलायंस जियो की सिम यूज कर सकते हैं, वो 2000 रुपए वाला डिवाइस आप 500 रुपए में कैसे परचेज कर सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ विथ प्रूफ। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या प्रूफ है मेरे पास, कैसे मेरे को ये पता चला कि ये आने वाली है स्कीम। तो ये देखिएगा, आप एक ईमेल की मेरे पास फोटो क्लिक करी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ये इसमें दिया गया है कि आप कैसे ये परचेज कर सकते हैं। अब रिलायंस जियो क्या करने वाला है कि पुराने डेटा कार्ड जो आपके पास पड़े हुए हैं अदर कंपनीज के, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, MTNL और iball और जैसे अदर कंपनीज के जो पड़े हुए, उनको आप एक्सचेंज करके रिलायंस जियो का 2000 रुपए वाला डेटा कार्ड 500 रुपए में ले सकते हैं। हाँ जी, रिलायंस अब जियो अब यही करने वाला है, आपके पुराने वाले डेटा कार्ड को एक्सचेंज करके नया वाला डेटा कार्ड आपको 4G वाला देने वाला है। उसकी कीमत 2000 रुपए है, लेकिन आपको पे करने रहेंगे सिर्फ 500 रुपए। अभी आप कैसे कहाँ से ले सकते हैं इसको परचेस करने के लिए, आपको जाना रहेगा जियो के ऑफलाइन स्टोर्स पे, जो जियो के स्टोर्स हैं आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप पुराना डेटा कार्ड आपको देना रहेगा और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा। ये डेटा कार्ड देने के बाद और डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद फिर वहाँ से आप ले सकते हैं एक नया डिवाइस, जिसकी कीमत 2000, लेकिन आपको मिलेगा वो 500 रुपए में। ये ऑफिशियल मेल पे ये दिया गया है। अब इसका फ़ायदा आपको और क्या मिलेगा, इसमें ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको, एक तो नया डिवाइस मिल जाएगा, 4G मिल जाएगा, एक साल की वारंटी मिलेगी, प्लस इसके साथ आपको एक सिम परचेज करनी रहेगी। वहीं से सिम परचेज के बाद आप कुछ सिम के साथ भी एक ऑफर मिलेगा, जैसे कि अगर हमारा अभी जो चल रहा है 309 रुपए वाला जो ऑफर चल रहा है वो ले सकते हैं, या उससे बड़ा वाला कोई भी प्लान ले सकते हैं। उसमें आपको कॉलिंग और इंटरनेट जो फ्री मिल रहा है वो ऑफर भी कंबाइंड होके मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पेमेंट आपको अलग से करनी रहेगी। डेटा कार्ड की जो कीमत रखी है उन्होंने 500 रुपए रखी है, डेटा कार्ड 2000 वाला है, जिसके 500 रुपए में आपको कैसे मिलेगा, आपको पुराना डेटा कार्ड एक्सचेंज करके। हाँ जी, डेटा कार्ड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, अगर आपका डेटा कार्ड वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो शायद स्टोर वाले लेने से उन्हें मना कर दें। डेटा कार्ड पे सीरियल नंबर और अदर मार्किंग होनी चाहिए ताकि उनके लिए आसानी रहे पहचानने के लिए कौन सा डेटा कार्ड है। कई बार डेटा कार्ड का नंबर और चीज़ें हट जाती हैं तो वो कई स्टोर वाले उसको लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 15 तारीख को जियो ने सभी अपने ऑफिशियल स्टोर पे मेल करके इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये एक्सचेंज ऑफर चालू कर दिया जाए। तो अभी आप सबसे पहले जाके एक्सचेंज करा लीजिए अपने पुराने दूसरी कंपनी के डेटा कार्ड्स को जियो में, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, रश ना हो, क्योंकि जियो की सिम लेते समय भी काफ़ी रश था, तो इस समय भी ये काफ़ी रश होगा। अच्छा दोस्तों, तो अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें सबसे पहले बता सकें कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी हुई है, ये चीज़ अभी नई स्कीम ये आने वाली है। जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ रेड बटन यहाँ पे दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।